नमस्कार, जे जी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। वैसे तो मैं बात करूं, सिरसा के अंदर अनेक संस्थाएं हैं और अनेक संस्थाएं हैं जो अपना अलग अलग कार्य करती है। वहीं मैं बात करूं यूथ वेलफेयर सोशल क्लब जो संस्था है, हर जन्म दिवस या फिर शादी सालगिरह या फिर किसी भी अवसर पर है जो फूल पौधे लगाकर ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज का जो इनका मकसद है पेड़ पौधे लगाने का, कुछ अलग ही है। वो मैं बता दूं कि हमारे ही भाई थे जो कपिल जोशी, कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया था और उनकी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने के लिए आज जो यूथ वेलफेयर सोशल क्लब है और जो सोशल क्लब के जो जितने भी से आज उनके द्वारा जो कपिल जोशी है, वो बात करूं चाहे मैं राजनीतिक की, वो राजनीतिक में भी अपना एक अहम योगदान रखते थे, प्रचार प्रसार में वो हमेशा आगे रहते थे। वहीं मैं बात करूं अगर वो धार्मिक स्थानों पर भी उनकी अहम रूप से भूमिका वो अदा करते थे, लेकिन आज की मैं बात करूं ये सोशल वेलफेयर जो क्लब है इनकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इनकी तरफ से पौधे लगाए जा रहे हैं, 11 पौधे लगाए गए हैं। तो वहीं यहाँ के जो मेंबर हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना है उनका और आगे किस तरह से ये कार्य करते रहेंगे। जी क्या नाम है? किरण गोयल। जी किरण जी, आज जो पौधे लगा रहे हो किस उद्देश्य में? आज जो हम ये पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर कपिल जोशी जी थे उनका अकस्मात निधन हो गया, तो उनकी पुनर्स्मृति में, उनकी याद में हम ये पौधे लगा रहे हैं। तो कितने पौधे आज लगाए गए हैं? आज हम 11 पौधे लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं विधानसभा अध्यक्ष नैन्सी गर्ग अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से। यहाँ हम लोग आज एक कोऑर्डिनेटर मेंबर थे जिनके देहांत होने की वजह से, मनोज महिपाल और कपिल जोशी, उनकी याद में हम यहाँ पौधे लगा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी याद में, उसकी दिवस की मनाने के लिए भी हम ये पौधे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इस संस्था के अंदर जिस तरह से महिलाओं से बात करवाई, इन्होंने बताया कि आज का जो पौधे लगाने का मकसद है ये है। वहीं युवा भी मेरे साथ है, बातचीत करते हैं। जी आज जो पौधे लगा रहे हो क्या है मकसद? देखिए, हमारी संस्था है यूथ सोशल वेलफेयर क्लब और मेरा नाम हर्ष मरोदी है, मैं अध्यक्ष हूँ संस्था का। हमारी संस्था के मेंबर थे श्रीमान मनोज जी महिपाल, 2 महीने पहले उनका अकस्मात निधन हो गया था, और अभी हमारी संस्था के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे श्रीमान कपिल जोशी, उनका भी 15 दिन पहले देहावसान हुआ है। तो उनकी याद में हमारा था कि हम उनकी याद में पौधारोपण करें, तो उन दोनों की याद में आज हम पौधारोपण कर रहे हैं। तो सर आज कितने टोटल पौधे लगाए? आज हम 11 पौधे लगा रहे हैं उनकी याद में। तो कहाँ लगाए जा रहे हैं, एक ही स्थान पे या अनेक स्थान पे? नहीं, आज हम ये 11 पौधे खालसा स्कूल में लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारा प्लान है कि हम लगभग हर हफ्ते कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर उनकी याद में पौधारोपण करते रहें। तो ये थे मेरे साथ यूथ वेलफेयर सोशल क्लब के जो सदस्य है, बातचीत करवाई, जो आज का इनका मेन मकसद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर भी इन्होंने आज पौधा लगाया। तो वहीं जो इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर थे उनके देहांत के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के हेतु आज इन्होंने पौधा रोपण है जो खालसा स्कूल में मनाया है। तो इसी तरह जुड़े रहिए आप हमारे साथ।